अब जो है मैं अपने स्टोरेज की तरफ जा रहा हूँ। मुझे आज जो है मॉर्निंग हुई है, आज दिसंबर की 2nd है, सैटरडे सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं। इसको तो मुझे जो है मैं कुछ सामान कल लेकर आया था, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्टेशन के अलावा जो है लिक्विडेशन का भी काम करता हूँ और लगेज का भी करता हूँ काम। तो लिक्विडेशन में क्या होता है कि जो आप सामान फॉर एग्जांपल किसी भी ब्रांड नेम स्टोर से ख़रीद रहे हैं, अगर आपको पसंद नहीं आता तो वो आप उसको रिटर्न कर देते हैं। और सम टाइम कुछ ऐसा होता है कि कुछ सामान बिल्कुल अनपैक अनटच होता है, अनपैक होता है, तो उसको जो है मतलब ब्रांड नहीं होता है, डिलीवर नहीं हो पाता है, ये सब चीज़ें। तो वो इस तरह की जो शिपमेंट्स होती हैं वो हम लोग बाय करते हैं बल्क के अंदर, लाइक ट्रक लोड्स, और फिर हम इसको इंस्पेक्ट करके इंडिविजुअली इसको सेल करते हैं। इसको मतलब सोशल मीडिया पे लिस्ट करते हैं, मार्केट प्लेस हो गया, डिफरेंट वेबसाइट हो गई, और फिर ये लोग सारा लोकल होता है, लोग फिर इसमें कांटेक्ट करते हैं और फिर ये है कि अपनी ऑफर देते हैं। आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है आप उनसे माजरत कर लेंगे, भाई आई एम सॉरी टू लो। इसके अंदर मतलब हर तरह के कस्टमर्स होते हैं, सम टाइम बहुत अच्छे कस्टमर होते हैं जो मतलब कोई आपको बॉदर नहीं करते, प्राइस ऑफर अच्छी देते हैं, सम टाइम कोई ऑफ सेम प्राइस पे एक्सेप्ट करते हैं, और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो तंग करते हैं, जो हर जगह ही होते हैं भारत। इन जनरल ये कि ये जो कैनेडियन मार्केट है, बायर्स मोस्टली ठीक होते हैं और आप पे ट्रस्ट करते हैं कि आप जो चीज़ सेल कर रहे हैं वो ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और फिर जैसे जैसे आपका रिव्यू हिस्ट्री बिल्ड होती जाती है तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कस्टमर का ट्रस्ट करने के बाद आपके ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो डे फर्स्ट से ही जो है वो ये रहा है कि मतलब रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए, सर्विस अच्छी देनी चाहिए। मेरा ट्रांसपोर्टेशन का जो है उसमें भी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 5-स्टार रेटिंग है, और लगेज में भी ऐसा ही है, और ये अब जो लिक्विडेशन का है इसमें भी बेहतर रेटिंग है। तो वो इस फिर ये कि अगर आप अच्छी सर्विस देते हैं तो लोग रिकमेंड करते हैं, रिटर्न कस्टमर आता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मुझे बस जाने से पहले जो है मुझे कुछ एक आध आइटम मुझे कुछ खरीदना है या शॉप से मॉल से वो मैं ले लूँ पहले, फिर उसके बाद फर्दर अपनी वीडियो उसको चलाएंगे। ये सामने टिमोटन है जनाब, जिसमें पाकिस्तान अभी पहुँचा है यहाँ पे, और ये सामने जो है ये नो फ्रिल्स है, ये चेन है, ये ग्रोसरी स्टोर की काफ़ी मतलब अच्छी प्राइस पे मिलता है। किसी दिन इसकी वीडियो बनाएंगे, आज तक के लिए तो इतना ही, थैंक यू, बाय। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सैटरडे दिसंबर 2nd 2023। आज सैटरडे का दिन है, मैं आज आया हूँ अपने जो मेरा वेयर हाउस है स्टोरेज के अंदर। तो यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी कोड होता है, तो ये आप जब डालते हैं तो जनाब ये डोर जो खुल जाता है। काफ़ी प्लेजेंट है, मेरे ख्याल में आज शायद अराउंड 0 degrees है। कल का वेदर तो बहुत ज़्यादा ख़राब था, आज का कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर है। सो मैं यहाँ पे कुछ और काम करता हूँ, मेरा यहाँ पे पैलेट्स का स्टोरेज होता है, वुड पैलेट जिस पे शिपिंग होती है। उसके अलावा जनाब ये सब मूविंग कार्ट्स हैं, फिर लोग सामान मूव करते हैं इसके ऊपर। अगेन ये फिर सिक्योर डोर आ गया, यहाँ से डोर ओपन किया,
और ये सब स्टोरेजेस हैं यहाँ पे लोगों के, लोग यहाँ पे अपना सामान स्टोर करते हैं और यहाँ का रेंट भरते हैं इसका। तो मेरा भी, मेरे पास भी यहाँ पे 3 स्टोरेज हैं फिलहाल। तो जनाब ये मैं कुछ क्रिसमस ट्रीज लेकर आया हूँ सेल करने के लिए। ये मेरे वुड पैलेट्स हैं जो मैं सेल करता हूँ, जिस पे शिपिंग होती है। ये कुछ लगेज का सामान है, सेट्स हैं, सिंगल्स हैं। ये एक्चुअली मेरा स्टोरेज समझ लें, स्टोरेज तो खैर है ही, लेकिन जो मेरा एक्चुअल बिजनेस का जो मेरा मटेरियल है वो इट्स इन अ डिफरेंट स्टोरेज। तो वो लगेज का अलग स्टोरेज है और जनाब जो लिक्विडेशन वगैरह का इसका अलग स्टोरेज है। तो अभी हम ये सब बॉक्सेस लेकर आए हैं, तो हमें सबको जो है ना ये इसको चेक करना है। ये मैंने ऑलरेडी कर लिया है, तो मैं आपको दूसरा बॉक्स खोलूँगा। अब ये क्रिसमस ट्री है, इसमें देखें कोई इसमें कोई नाम वाम नहीं लिखा। यहाँ पे जो है ना ये कोड होता है, ये जो कोड है CM21223, इसको हम गूगल करते हैं और यहाँ से हमें प्रोडक्ट का पता चल जाता है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा खोल के देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है, क्योंकि ये मोस्टली जो है ना ये रिटर्न ऑर्डर वगैरह होते हैं। तो ये बॉक्स मैंने खोल लिया, अभी हम इसमें कंडीशन देखते हैं अंदर की। ये जो है जनाब ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, और इसको आप न्यू ही समझ सकते हैं बिकॉज ये यूज़ नहीं हुआ हुआ है। तो बस हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। देखें इसमें ग्लव्स भी रखे हुए हैं यहाँ पे पहनने के लिए, अगर आपने करना हो तो। तो ये है सारे जो है ये बॉक्सेस हमें इस तरह से चेक करने होते हैं। चेक करके जनाब हम इसको फिर दोबारा रीपैक करेंगे। ये वाले बॉक्सेस जो है ये मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, तो बस ये आज सब काम थोड़ा करना है सैटरडे के दिन। तो फिर ये है कि मैं इसको सेल पे लगाऊंगा, इसको लोग आते हैं, आजकल क्रिसमस का सीज़न है तो काफ़ी हॉट आइटम्स होते हैं ये, क्योंकि ये बड़ी जल्दी सेल हो जाते हैं और बड़े बड़े स्टोर्स में जो है आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, तो लोग जो है मतलब फिर ढूंढते हैं कि भाई कहाँ से हमें ये ट्री मिलेगा। तो मेरी वीडियोस देखें प्लीज़, सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी, मुझे भी अंदाज़ा हो कि हाँ भी लोगों को कुछ मेरी वीडियोस से कोई इंटरेस्ट है, तो मैं फिर और फर्दर बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, बाय। ओके जी, ये हमारे सब इंस्पेक्शन हो गया है इन क्रिसमस ट्रीज का। इसके अलावा और भी हैं, वो डिफरेंट स्टोरेज में आज बिकॉज थोड़ा मॉर्निंग का टाइम है, तो मुझे किसी और काम से भी निकलना है अपने ट्रैकिंग के सिलसिले में। तो बस अब ये मैंने सुबह आके इसको रेडी कर दिया, एंड देन आई हैव टू लिस्ट ऑनलाइन ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया एंड स्टफ लाइक दिस। थैंक यू। ओके जी, ये हमारे सब इंस्पेक्शन हो गया है इन क्रिसमस ट्रीज का। इसके अलावा और भी हैं, वो डिफरेंट स्टोरेज में आज बिकॉज थोड़ा मॉर्निंग का टाइम है, तो मुझे किसी और काम से भी निकलना है अपने ट्रैकिंग के सिलसिले में। तो बस अब ये मैंने सुबह आके इसको रेडी कर दिया, एंड देन आई हैव टू लिस्ट ऑनलाइन ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया एंड स्टफ लाइक दिस। थैंक यू।